खरगोन जिले में गुरुवार को बाजार खोलने की तैयारियां प्रशासन स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसके लिए दुकानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें एक और दो नंबर की मार्किंग करके बारी बारी से दुकानों का संचालन होगा। हम आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के बाद संक्रमित आंकड़ों में कमी आई, जिसे देखकर प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी के चलते दुकानों पर एक और दो नंबर की मार्किंग की गई है। इस दौरान नगर पालिका मुख्य अधिकारी प्रियंका पटेल ने बताया कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए व्यवस्था लागू की गई है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। में मार्किंग की जा रही है, वो कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार की जा रही है, जिसमें हम दुकानों पे एक नंबर और दो नंबर डाल रहे हैं। मतलब गुरुवार को जब दुकानें खोली जाएंगी तो पहले दिन गुरुवार के दिन एक नंबर, जिन दुकानों पे एक नंबर लिखा है सारी वो दुकान खुलेगी, मतलब ऑल्टरनेट दुकान खुलेंगी। हर दुकान पे हम लोग एक नंबर और दो नंबर डाल रहे हैं, तो एक नंबर सारी खुल जाएंगी, तो उस वजह से भीड़ नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि दुकानों में स्पेस रहेगा। और एक आदेश ये भी है कलेक्टर मैम का कि कोई भी दुकानों के सामने, जैसा दुकानदार अपने दुकान के सामने सामान रख लेते हैं, उस सामान को नहीं रखना है, सो दैट सामने तरफ में जगह खाली रहे, जिस जगह पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाना है। ये सब नहीं होने पे दुकान को हम संचालित नहीं होने देंगे। सर, ये सब्जी वाले, ठेले वाले, फल फ्रूट वाले, इनके लिए कैसा क्या रहेगा? इनके लिए अलग से जगह चिन्हित की जा रही है, उन जगहों पे इनको लगाने की परमिशन दी जाएगी। एक जगह पे ऐसे 10-10 फीट की दूरी से ठेले लगवाएंगे, जिससे कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इसमें इंजेक्शन की बात आ रही, जो वैक्सीन लगाएगा सिर्फ उसी को परमिशन? हाँ जी बिल्कुल, जिनकी दुकान के सामने हमें वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट दिखेगा उनको ही परमिशन मिलेगी खोलने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।